हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स का लेक्चर है। मैथमेटिक्स में हम टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो उसका ये अगला लेक्चर है। और अगले लेक्चर में यहाँ पे हम आपको बताएंगे किस प्रकार के आप टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कह रहे हैं एक व्यक्ति जो है वो 45 किलोमीटर की दूरी को जो है वो 45 मिनट में किसी दूरी को 6 किलोमीटर की दूरी है उसको तय करनी है। यदि कुल दूरी का आधा भाग जो है उसने 2/3 समय में तय किया। कुल दूरी का जो है आधा भाग, जितनी दूरी है 6 किलोमीटर दूरी है उसका आधा भाग, देखिए उसका आधा भाग होगा 3 किलोमीटर। 6 का आधा 3 किलोमीटर होगा ना। कुल समय का 2/3 भाग, कुल समय का 2/3, 45 मिनट समय है इसका 2/3 निकाल लेंगे। 2/3 जो आ जाएगा ये 15 में 45 हो जाएगा। 15 का 2 गुना 30 हो जाएगा, मतलब 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा। 30 मिनट आधा घंटे के बराबर होता है, आधे घंटे में तय किया। तो उसकी चाल बताना है इसी में। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 6 किलोमीटर कुल थी, जिसमें 3 किलोमीटर में उसको बताना है, आधे घंटे में तय करना है। तो आधे घंटे का मतलब होगा 3 × 2 ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 2 बराबर कितना हो गया, 3 × 6 6 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी चाल होगी। कहीं दिखे तो यही वाला सही कर देना, पहला दिख रहा है पहले में ही सही आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन इसका देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं एक व्यक्ति जो है वो 3 समान दूरियों को 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में उसे 47 मिनट का समय लगता है, कितना 47 मिनट का समय लगता है। तो दूरी याद कीजिए, आपको दूरी बताना है। पहले जो तय करता है 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर से हिसाब से। देखिए पहली कुल दूरी जो है यहाँ पे समान दूरी की बात की है, समान दूरियां, तीनों दूरियां समान है। दूरियां मान लेते हैं डी है, पहली वाली दूरी को 3 के हिसाब से, दूसरी वाली जो डी दूरी है उसको 4 के हिसाब से, तीसरी वाली जो डी दूरी है उसको 5 के हिसाब से तय करता है। ठीक है, तो आपको बताना है उसको जो है 47 मिनट का समय लगता है। इसको हम घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं, 47/60 हो जाएगा। यहाँ पे डी जो है कॉमन है, हम नहीं लेंगे, हम इनका एलसीएम निकालेंगे। देखिए सभी जो हैं रूट्स अलग अलग हैं, इनमें कोई कॉमन चीज है नहीं। तो 4×5 = 20 दिए 60, जो इनका एलसीएम आ गया कितना आ गया, 60 एलसीएम आ गया। 3 का जो है 20 दहम होता है 60, तो 20 का 3 दहम होता है 60 और प्लस कर देंगे, 4 15 दहम होता है 60, तो यहाँ पे 15 कर देंगे। फिर यहाँ पे 5 कितना होता है 12×5 = 60 होता, तो 12 डी कर देंगे, बोल देंगे यहाँ पे 47/60। अब देखिए ये 12 और 5 और 0 बराबर कितना होता है, 2 5 12 15 27 होता है, और 27 20 47 होता है। तो यहाँ पे 47d/60 आ गया, 47d/60 बराबर कितना है, 47/60। अब ये 47/d दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 किलोमीटर डी दूरी निकल आई। दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको बताना है एक स्थान पे, मतलब तो दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। एक दूरी d है, दूसरी दूरी फिर से एक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, कितनी दूरी हो गई, टोटल 3 किलोमीटर दूरी हो गई। तो 3 किलोमीटर ऑप्शन बी नंबर में दिख रहा है, वही इसका सही आंसर बता रहा होगा। कौन से में, बी नंबर ऑप्शन में जो है वो दिख रहा है, वही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो बी नंबर में आप 3 किलोमीटर दिख रहा है, ये सही आंसर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या कह रहे हैं। दो शहर ए और बी जो है एक दूसरे से वो 330 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन ए से पूर्वाह्न 8 बजे जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है शहर बी की तरफ, शहर बी की तरफ जाती है। दूसरी ट्रेन जो है वो पूर्वाह्न, ये भी पूर्वाह्न थी, ये भी पूर्वाह्न थी, ये 8 बजे थी, ये 9 बजे थी, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, तो अब बताना है कि दोनों शहर ट्रेनें आपस में कब मिलेंगी, दोनों ट्रेनें आपस में कब मिलेंगी। आज ये आपको एक बार क्वेश्चन किए होंगे, तो इस क्वेश्चन को करने में कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप सॉल्व कर देंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप इसको जो है डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। देखिए एक ट्रेन है वो किसी पॉइंट ए से रवाना होती है, बी तक जो है जाना है उसको, बीच की दूरी जो है वो 330 किलोमीटर है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की तरफ आ रही है।
ये 8 बजे रवाना होती है, ये 9 बजे रवाना होती है, दोनों का समय 9 बजे जब ये ट्रेन होगी यहाँ पे, तो इसने 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया होगा, क्योंकि ये 1 घंटा पहले चली है तो 60 किलोमीटर दूरी पहले तय कर ले। अब 330 किलोमीटर कुल दूरी थी, अब दोनों के द्वारा दूरी जो तय करनी है वो कितनी तय करनी है, 330 माइनस 60 कर देंगे तो ये 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 270 किलोमीटर की दूरी जो है बीच की है, जो 9 बजे के बाद तय करना है। जब दोनों गाड़ियां एक दूसरे के समान आती हैं, उनकी चालें जुड़ जाती हैं, तो 75 है और ये 60 है, 75 और 60 को जोड़ देंगे तो 60 ये है प्लस 75 है, इसको जोड़ देंगे तो 135 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 135। अब 135 है, हमें पता है दूरी बराबर जो मतलब पता है, समय बराबर जो हमको पता है कितना लगेगा, टाइम बराबर दूरी बटे 4। जब वो मिलेंगे तो हमें ये पता होगा कितने समय पे मिलेंगी, समय हमको पता करना है। अब वो कितने समय पे मिलेंगी, दूरी बटे 4, तो यहाँ पे हम निकाल देंगे दूरी जो है 270 है और चाल उसकी कितनी है, 135 है, 135 है, देखिए 135 कर दिया, 27 × 5 = 135 होता है यहाँ पे, 27 × 5 = 135 होता है, तो 135 5 बच जाएगा और ऊपर 10 बच गया होगा, ठीक है, 5 × 2 = 10 मतलब 2 घंटे बाद, 9 बजे के 2 घंटे बाद वो दोनों आपस में मिली होंगी। 9 बजे के 2 घंटे बाद क्या होगा, 9 × 2 = 11 होता है 11, मतलब सॉरी 9 में 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर बता रहा है, तो ये जो है 3 इसका जो है सही आंसर है। तो ये लेक्चर यहीं हम समाप्त करते हैं, इसी प्रकार से अगले भी क्वेश्चन हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये लेक्चर हम यहीं से समाप्त करते हैं, लेक्चर लेंदी हो जाएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।